एक मंत्री जाकर के स्पीकर को कहता है कि मामला सब जुडिशियल है, ये स्पीकर ने फैसला लेना है कि मामला इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ना कि कोई मंत्री जाकर के कह दे और वो उसके ऊपर अपना स्टैंड ले ले। इसका मतलब स्पीकर जो है निष्पक्ष नहीं है, स्पीकर सरकार से दबा हुआ है। सर लास्ट है, सरपंचों को 2 लाख रुपए तक की पावर दी गई है विकास कार्य कराने की, उसके बाद जो है ई टेंडरिंग के माध्यम से वो विकास कार्य करा सकेगा। आप क्या मानते हैं कि ये पावर 2 लाख रुपए की बहुत है, या क्योंकि जो पहले 20 लाख रुपए तक की या वही की जाए, या किस तरह से आप इनाम देखते हैं? मैं कहता हूँ 20 लाख भी थोड़े हैं। जो गांव का सरपंच बन गया, अगर उस गांव की इनकम मान लो 1 करोड़ पे, मेरे गांव के अंदर मेरे हल्के में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पंचायतों की इनकम जो है 5-5, 6-6 करोड़ रुपये है। अगर सरपंच अपने गांव का पैसा अपने गांव के विकास पे खर्च नहीं कर सकता तो फिर चुनाव क्यों कराए, किस चीज़ के लिए कराए? मंत्री जहां भी गया सब लोगों ने मंत्री का विरोध किया। एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान सरकार के किसी नुमाइंदे को किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाता था, ये सरपंच भी बैठ करके फैसला लेंगे पूरे प्रदेश के कि सरकार का कोई भी मंत्री किसी गांव में अगर आता है हम उसका वॉकआउट करेंगे, बायकॉट करेंगे। शेरो शायरी भी देखने को मिली आज, आपने देखा कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आपस में शेरो शायरी करते हुए नजर आए, कोई नई बात थोड़ी है। इन दोनों को इस विधानसभा में नहीं आना चाहिए, इनको किसी मैखाने में जाना चाहिए। धन्यवाद इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला, जिनका कहना है कि 3 दिन की जो ये कार्रवाई है इस सदन के अंदर जो रखी गई है, इसमें सरकार ने केवल कुछ नहीं किया है, केवल जो है बयानबाजी की है, और इसको लेकर के जो शेरो शायरी की गई है इस पर भी जो है अभय सिंह चौटाला ने अपनी बात कही है। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर।